देखो मगरमच्छ एक मांसाहारी जीव है और ये तालाब में पानी पीते हुए जानवरों की शिकार करके खाते हैं। और एक हिप्पो वेजिटेरियन चीजों के साथ साथ दूसरे एनिमल का मांस भी खाते हैं। और एक हिप्पो और एक मगरमच्छ दोनों ही ज्यादातर पानी में ही रहते हैं। तो अगर एक मगरमच्छ और एक हिप्पो की लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा? तो देखो मगरमच्छ की पूरी मुंह के अंदर बहुत सारे नुकीले दांत मौजूद है और जब ये किसी शिकार पे बाइट करता है तब ज्यादा बाइट फोर्स होने के कारण उसकी हड्डियां भी चूर चूर हो जाता है। लेकिन एक हिप्पो के मुंह के अंदर मगरमच्छ से भी ज्यादा बड़े बड़े दांत होते हैं और हिप्पो की चमड़ी 6 इंच तक मोटे होते हैं, इसीलिए मगरमच्छ के काटने से भी हिप्पो का कुछ नहीं होगा। लेकिन जब एक हिप्पो मगरमच्छ पे अटैक करता है तब ये मगरमच्छ को अपनी मुंह के अंदर घुसा के बड़े बड़े दांत से चबा डालते हैं, जिससे मगरमच्छ के पेट फोड़ने के कारण मौत हो जाती है। तो गाइस वीडियो को एक लाइक करो और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।